अशरफुल भाई। साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोमिन है भाई? मोमिन तो था लेकिन अभी तो फिलहाल मोमिन नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो अरे भाई एक मुस्लिम की लाइन लग गई आज। भाई ऐसा बात है कि हमको तो लगता है ये कुरान ही गलत है, क्योंकि ये कुरान जो लिखा है ना उस्मान, ये तो पूरा एकदम धारावाहिक चेंज कर दिया है। ये तो क्रोमो धारा जो था ये भी चेंज करके रखा हुआ है, क्योंकि क्या हो पास क्या रहा है भाई यार। वो कुरान वही आपने कहा कि आप मोमिन थे तो नमाज वमाज पढ़ते थे आप? हाँ भाई पढ़ता था, बहुत बढ़िया पढ़ता था, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग का स्ट्रीम देख देख के उसके बाद जो मैं रिसर्च करने लगा, थोड़ा बहुत पढ़ने लगा ना, तो पढ़ के मेरा ऐसा हाल हो गया कि ये तो सब सच बता रहा है, यहाँ तो जो लिखा हुआ है तो बहुत बुरी तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मैं पढ़ा है, जैसे अबू बकर के पास जो कुरान था वो अलग था, उसके बाद जो उस अबू बकर दे दिया उमर को, उमर के पास भी सही था, लेकिन उस्मान जो लिखा है इसमें तो पूरा क्रमोधारा चेंज कर दिया। उसके बाद इसमें बहुत कुछ आयते था, ये सब आयात भी चेंज कर दिया। थोड़े पर पहले एक आदमी ने बता रहा था, वो भाई सच में ऐसा ही है लिखा हुआ, तो ऐसा ही है स्क्रिप्ट में, तो ऐसा ही है। और कुरान जो कोई आदमी अगर नॉर्मल आदमी एक इंसान नॉर्मल मुस्लिम पढ़ लेगा ना अपनी भाषा में। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ भाई। अशरफुल भाई आपने कहा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा फिक्र ना करें, आपने कहा आप नमाजे इमाजे भी पढ़ते थे, तो कुछ सूरा इरा याद है आपको? हाँ भाई याद है, सुनाइए कोई सूरा। الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین याद है लेकिन पढ़ा है बहुत स्पीड में पढ़ा है। मस्जिद में क्या तरावी पढ़ाते थे क्या इतने स्पीड में? तरावी में ऐसे स्पीड में पढ़ाता है ना। हाँ वितर की नमाज कितनी होती है? वितर वितर की रकात कितनी होती है अशरफुल भाई? तीन रकात। तीन रकात? अच्छा तीन रकात। तीसरी रकात में क्या पढ़ते हैं? वो दुआए कुनूत पढ़ते थे। वो सुना सकते? याद है नहीं याद है? अभी थोड़ा बहुत मतलब हाँ थोड़ा बहुत सुना दो जितना याद है। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना। हाँ अल्लाहुम्मा इन्ना जलनुका वा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। याद नहीं है भाई वो दुआए कुनूत तो बहुत याद नहीं है, जैसे और भी सुरा है बहुत सुरा याद है। अच्छा आपको ये याद है? याद है जैसे सुरा फील हो गया दरूद इब्राहिम याद है? हाँ याद है। बोलिए। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولا थोड़ा बहुत मतलब भूल गया भाई अभी। चलो भूल गए भाई लेकिन थोड़ा बहुत क्योंकि मैं 6-7 महीना से सिर्फ इसी में लगा हुआ हूँ। जितना जब भी टाइम मिलता है ना, पहले तो मैं बहुत अच्छा मतलब इस्लाम फॉलो करता था, लेकिन अभी वो सब छोड़ के मैं थोड़ा बहुत ये जो कुरान कैसे आया, हदीस कैसे आया, कहाँ से आया, ये कुरान हदीस का तफसीर, उसके बाद जैसे हदीस या सित्ता का, ये सब अंदर अंदर बहुत पढ़ने लगा मैं। ये सब पढ़ पढ़ के ना मेरा दिमाग अभी ऐसा हो गया कि ये तो कुछ अलग ही बता रहा है, और ऊपर से जो इस्लाम का ये जो ठेकेदार है, ये सब हम अभी ठेकेदार ही बोलेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे बढ़िया से बताता है, ये लोग सच में जो कुरान हदीस में जो इस्लाम है वो ये लोग नहीं फॉलो कर रहा है, और ये लोग फॉलो करता ही नहीं है, ये लोग अपने से बना के ऊपर से आदमी को दिखाने के लिए अच्छा इस्लाम मतलब बता रहा है। ये अभी का जो सिस्टम है, अभी जो जिस हिसाब से इंसान चल रहा है इसी हिसाब से ये लोग बताता है, लेकिन असल में जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में वो ये लोग बताता ही नहीं है अंदर का बात, एकदम बिल्कुल नहीं बताता है। एक ऐसा है ना, क्योंकि इस्लाम में 95% आदमी लगता है कि कुरान कभी अपने भाषा में पढ़ा ही नहीं है। अगर
एक बार पढ़ लेगा ना उसका मन तो डगमगाएगा जरूर, क्योंकि हाँ जरूर डगमगाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा बात लिखा हुआ है ना, ये सब बात अपने से पढ़ के ना वो अगर समझ के पड़ेगा, अरबिक में नहीं, अरबिक नहीं, वो अपने भाषा में अगर समझ के पड़ेगा ना वो उसका मन डगमगाना जरूरी है, क्योंकि एकदम कंपलसरी है वो डगमगाएगा जब, क्योंकि ऐसा ऐसा बात लिखा हुआ है। ज्यादा नहीं, सिर्फ सूरह तौबा का 1 से 30-40 तक आया था अगर पढ़ लेगा ना उसका उसका भी दिमाग डगमगाएगा कि ये साला बात किया है इसमें, ये कैसे बोल दिया, ये कैसा इंसानियत है। और उसका तफसीर अगर पढ़ लेगा वो तो अलग ही बात लिखा हुआ है, अरे बाप रे बाप, तो बहुत बेकार चीज लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंसानियत का बिल्कुल खिलाफ है भाई। हम तफसीर, हम तफसीर इब्ने कासिर, तफसीर जलालाइन, तफसीर तबारी, तफसीर और एक है, ये चार तफसीर हम इधर उधर उल्टा बुल्टा मिला के भी पढ़ा है, सब में ऐसे ऐसे बात लिखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब काट पीट के लिखा हुआ है बस, और सारा के सारा एक ही चीज लिखा हुआ है। मतलब सबका मतलब एक ही है कि आप इस्लाम फैलाने के लिए, असल में ये कुरान और इस्लाम जो फैला है ना ये तलवार के धार से ही फैला है, क्योंकि ये लोग जो बोलता है ना कि नहीं ये तलवार के धार से फैलने से तो अभी जो हमारे देश में इस्लाम का जो बात इस्लाम जो हुकूमत कर रहा था तो अभी इतना हिंदू कैसे बच गया, ये लोग एकदम बिल्कुल मतलब झूठ एक ये करता है कि दावा करता है। अगर सही इस्लाम ये लोग फॉलो करता ना, जैसे हुकूमत ही कर रहा था ये अकबर बाबर, ये जो हुमायूं उसके बाद आपके पास ये औरंगजेब, ये लोग अगर सही कुरान का ही इस्तेमाल करके ये शरिया लागू करके जो ये था ये अगर चलाता ना तो इस एक भी हिंदू नहीं बचता, लेकिन ये लोग भी थोड़ा बहुत समझने लगा था, अरे यार ये बहुत गलत हो रहा है अपने से, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छूट गया, नहीं तो किसी को भी नहीं छोड़ता था, छोड़ने वाला बातें नहीं है उसमें, लिखा हुआ ही नहीं है कुरान हदीस में, कभी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये आप दूसरे आदमी को इस्लाम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कबूल ना कराए तब तक के लिए जंग के लिए एकदम एकदम कायमत के तक के लिए जंग करना था, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये सब क्या किया ये लोग, ऊपर ऊपर से इंसान को अच्छा दिखाने के लिए और अपने से मतलब अपने अपने को अपने आप को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत छोड़ दिया इस्लाम, छोड़ छोड़ के अभी फिलहाल यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन ये लोग तो कभी अंदर का बात बताता ही नहीं है भाई, क्या बोलेंगे। और बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त हमारे अशरफुल भाई, तो अभी कैसा लग रहा है आपको बाहर निकलने के बाद, सुकून लग रहा है भाई? हमको तो सुकून एकदम बहुत बढ़िया सुकून लग रहा है, क्योंकि हम इतना मतलब हम सोचता था कि हमारे अल्लाह और हमारे नबी इतना बढ़िया है, लेकिन पता नहीं ये साहिल भाई, ये आदम भाई, ये लोग क्या पढ़ लिया, क्या कुछ कर लिया ये लोग। मतलब और भी है जैसे जाफर हेरेटिक्स है, और हमारे हम बंगाली है भाई, क्योंकि हम असम से है और बंगाली है। अरे पर्सनल डिटेल पूरा नाम मत बताओ, मत बताओ। नहीं थोड़ा बहुत बता दे, तो हम बंगला में भी हम लोग का जैसे बांग्लादेश में भी है कुछ, तो ये लोग को बारे में हम बाद में सोचा कि ये लोग पता नहीं क्या पढ़ लिया, ये लोग तो कुछ गलत सोच लिया क्या इसमें, इस्लाम में कुछ गलत क्या पा लिया, हम लोग तो अच्छा ही देखते हैं। तो हम जो है ना धीरे धीरे इस्लाम का अंदर डीप में पढ़ने के लिए सोचा कि ये जाकिर नायक नालायक ये सब के मुंह का बात सुन के ठीक नहीं लग रहा है, हम अंदर से एक बार पढ़ के देखता हूँ असल में क्या है क्या। जब हम कुरान अपने भाषा में पढ़ना शुरू किया ना भाई, उसी टाइम मेरा दिमाग एकदम हिल गया, अरे बाप रे बाप ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे अगल बगल का जो मुफ्ती है मौलाना है तो, और मेरा टीचर भी है एक अरबिक टीचर था, ये लोग से हम पूछा कि सर ये ऐसा बात लिखा हुआ है, तो बोल रहा है कि इसका मतलब इसका जो क्या बोलता है इसका जो राय है जो इसको हम नहीं सुलझा सकेंगे, क्योंकि इसको सुलझाने के लिए कोई और अच्छा आलिम के पास जाना पड़ेगा। तो अच्छा आलिम अभी कहाँ मिलेगा, हम मुफ्ती साहब के पास गया, वो भी बोलता है नहीं हमसे नहीं होगा, और अच्छा मिले और अच्छा ढूंढना पड़ेगा। तो फिर कोई कोई ने बताता है कि नहीं इसका तुम तफसीर पढ़ो,
तफसीर पढ़ना शुरू किया, अरे तफसीर में और डिटेल्स लिखा हुआ है, लेकिन सब में तो वैसे ही लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा चीज लिखा हुआ है ना कि देख के हमको एकदम ऐसा लगा कि इसमें इस्लाम में इतना मतलब बेकार चीज लिखा हुआ है कि इंसानियत के खिलाफ है तो है, और कोई अगर ऐसा इस्लाम फॉलो करेगा ना उसको तो वही पर कोई अगर अच्छा मतलब आदमी होगा, इंसानियत जो सोचता है ये ह्यूमैनिटी का बात, वो तो उसी जगह पर गाड़ देगा, ऐसा चीज है लिखा हुआ। एकदम मतलब मेरा दिमाग एकदम पूरा हिल गया उसी टाइम। हम और पढ़ना शुरू किया, अरे भाई देखते हैं और पढ़ना शुरू किया। हम पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ पढ़ा, ये कुरान का जो तफसीर हम पढ़ना शुरू किया ना, कहीं कहीं पर अल्लाह ने खुद मतलब जंग करने के लिए बोल रहा है, अल्लाह खुद मार रहा है, अल्लाह खुद मतलब क्या इस दूसरे को भटका रहा है, अल्लाह खुद कौशल कर रहा है, अल्लाह खुद मतलब दूसरे आदमी को सजा दिलवा रहा है, दे रहा है, झूठ भी बोल रहा है। ऐसा बात है कि सूरा कितना नंबर है, 43 का आयत कितना था, उसमें तो झूठ भी बोला अल्लाह, एक जंग के लिए नबी को झूठ भी बोल दिया कि झूठी मूठी क्या बोल दिया कि उसके पास सैनिक कम है, ऐसा भी बात बोल दिया कि उसके पास ये सैनिक कम है, तुम जाओ जाके लड़ाई करो उसके पास, ये भी एक झूठ बात बोल दिया था। ऐसा बहुत कुछ कुरान में बोला हुआ है, अरे भाई कुरान ऐसा बोलता है। फिर हम और पढ़ना शुरू किया, उसके बाद ये सूरह तौबा जब हम पढ़ा ना, अरे भाई तौबा पढ़ के तो हमको एकदम दिमाग हिल गया, सूरह तौबा में ऐसा ऐसा चीज लिखा हुआ है। और उसमें डिफेंड करने भी सोचता है वो मुल्ला मौलाना कि अच्छा बात भी बताया है कि जो मुशरिक है वो अगर पना मांगे तो उसको पना देना, अरे वो तो आया तो इसलिए लिखा हुआ है कि उसमें पना इसलिए मांग देना कि वो समझ ले कि इस्लाम अच्छा है, इस्लाम को पढ़े, इस्लाम को जाने, उसके बाद इस्लाम कबूल कर ले, ये भी तफसीर में लिखा हुआ है। क्योंकि उसको खाली सिर्फ एक चीज देना है, मतलब थोड़ा सा छूट देना इसलिए कि वो अगर इस्लाम को जान ले, समझ ले और इस्लाम कबूल कर ले। अरे भाई तुम इस्लाम कबूल करने के लिए, कबूल कराने के लिए ऐसा चीज बोल रहे हो, अरे बाप रे बाप, तो बहुत बहुत जबरदस्त यार अशरफुल भाई, बहुत जबरदस्त। आपने मेन जो है कुरान में जो जिहाद को लेके सारी चीजें हैं वो मेन मुद्दा रहा है जी, तो बहुत अच्छा लगा भाई आप आए और आपने तब बताई अपनी बात कि आपने भी इस्लाम छोड़ दिया।